नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर आप सभी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। कई व्यूअर्स का कमेंट था कि अगर हम रामगढ़ जाएं तो कैसे जाएं। कई व्यूअर्स हमारे ये भी पूछ रहे थे कि चैल जाएं तो कैसे जाएं। बहुत सारे जो लोगों के कमेंट थे वो रामगढ़ को लेकर थे, तो आज ये वीडियो रामगढ़ के बारे में है। दोस्तों, यहाँ आपको एक खास बात बता दें, जो लोग नैनीताल घूमने जाना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक ऑप्शन बताया हुआ था कि आप नैनीताल ना जा करके आप रामगढ़ चले जाइए। वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और आप वहाँ पर अच्छे से घूम सकेंगे। बहुत ही अच्छी जगह है, खासकर वह जगह फलों के लिए फेमस है। वहाँ पर जैसे आड़ू हो गया, खुबानी हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, तो ऐसे फलों की भरमार है और लोग जाते हैं वहाँ अपने हाथों से तोड़ करके फलों का स्वाद चखना चाहते हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर घूमना चाहते हैं रामगढ़ में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलेंगे रामगढ़ और आपको रामगढ़ के बारे में बताएंगे कि आप रामगढ़ में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, आप वहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कैसे जाएंगे, कौन कौन सी फैसिलिटी वहां पर आपको मिल सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहां अभी इतना भीड़ नहीं होता, लोग कम जाते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपको एक अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा जहां से आप खुश होकर के आएंगे, जहां पर आप फैमिली के साथ अच्छे से शांति वातावरण में आप इंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप रामगढ़ बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन यहां का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। यहां से उतरकर टैक्सी ले सकते हैं और यहां से रामगढ़ 45 किलोमीटर दूर है, आप बड़े आसानी से आ सकते हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, बहुत ही ये किफ़ायती तरीका है रामगढ़ पहुंचने का। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं, बाई एयर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पंतनगर आ सकते हैं। दिल्ली से पंतनगर के लिए फ़्लाइट आती है, आप फ्लाइट से आ सकते हैं पंतनगर और वहां से 76 किलोमीटर दूर है आपका रामगढ़ और वहां आने के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बस से आना चाहते हैं रामगढ़ तो दिल्ली से वाल्वो बस काठगोदाम के लिए आती है और यहां से आप शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं और प्रीपेड टैक्सी से भी रामगढ़ आ सकते हैं। इसके अलावा आप भीमताल या नैनीताल से स्कूटी या बाइक किराए पर लेकर रामगढ़ आ सकते हैं। आप चाहें तो नैनीताल और नौकुचिया ताल विजिट करने के बाद बस से भी रामगढ़ आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं रामगढ़ में रुकने की। तो यहाँ आपको कई होम स्टे और रिजॉर्ट 2500 रुपए से लेकर 15-20 हजार तक के बजट वाले भी मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप वीकेंड पर आ रहे हैं तो होम स्टे और रिजॉर्ट बुकिंग ऑनलाइन कर लेना ठीक रहेगा। वैसे कुमाऊं मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस भी काफी अच्छा है और बजट में रुकने की व्यवस्था कर देता है, लेकिन ये ज्यादातर वीकेंड पर फुल रहता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों, रामगढ़ में घूमने की बात करें तो रामगढ़ उत्तराखंड के नैनीताल जिले का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। रामगढ़ के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है ऊंचाई पर जिसे मल्ला रामगढ़ कहते हैं और दूसरा ढलान पर है जिसे तल्ला रामगढ़ कहते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग शहर की भागदौड़ से बचने के लिए रामगढ़ आते हैं। बर्फ से ढका हिमालय और शांत वातावरण में कुछ दिन बिताना है तो आपके लिए रामगढ़ एक परफेक्ट डेस्टिनेशन होगा। दोस्तों, हम सभी निरोग रहना चाहते हैं और इसके लिए योग अभ्यास अभी हम महानगरों की जहरीली हवा में करते हैं। आपको कुछ दिन शुद्ध वातावरण में रहकर योग साधना करना है तो यहाँ का श्री अरविंदो आश्रम काफी लोकप्रिय है, यहाँ आप आ सकते हैं। दोस्तों, इस आश्रम में आकर के आप रुक भी सकते हैं और योग ध्यान के जो क्लासेस होते हैं उसको भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों, रामगढ़ से 25 किलोमीटर दूर भगवान शिव का सुप्रसिद्ध मंदिर मुक्तेश्वर धाम है, आप यहां जा सकते हैं। 350 साल पुराने इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, रामगढ़ से 14 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध कैंची धाम है, आप वहां भी जा सकते हैं। कैंची धाम विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, देश विदेश से लोग आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप यहां कई सारे फलों के बगीचे और चाय के बागान भी देखने जा सकते हैं, जिसका एक टिकट होता है, वो टिकट लेकर के आप चाय के बागान देख सकते हैं, फैक्ट्री में चाय कैसे बनती है उसको भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप नानथू खन की यात्रा भी कर सकते हैं जो एक छोटा सा गांव है और दोस्तों यह गांव अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह गांव हरे भरे ओक के पेड़, पाइन, भोज पेड़ और काफल के पेड़ों से घिरा हुआ है।
दोस्तों इस जगह पर एक हेरिटेज भवन है जिसे बॉब पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। आप यहां स्टे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे कई सारे एडवेंचर्स एक्टिविटीज का लुफ्त यहां पर उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय गर्मी और मानसून का मौसम है, लेकिन दोस्तों आजकल बारिश के मौसम में बारिश काफी होती है, तो यहाँ पहले मौसम अलर्ट की जानकारी रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित यात्रा करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टूर से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम आपको रेगुलर देते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल एडिटर हरिओम द्विवेदी ब्लॉग पर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।